राकेश बापट के साथ इसी साल शादी करेंगी समीता सेट्टी। कहा अब घर बसाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड टॉम पर। हाल ही में टेलीविजन के चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीजन में नजर आई अभिनेत्री समीता सेट्टी जल्दी ही शादी कर सकती है। हाल ही में अपना 43वां जन्मदिन मनाने वाली एक्ट्रेस ने शादी के बारे में अपनी योजना पर खुलकर बातचीत की है। बीते कुछ समय से मनोरंजन जगत में लगातार शादियों का दौर चल रहा है। फिल्मी जगत से लेकर टीवी की दुनिया तक के कई स्टार कपल शादी के बंधन में बन चुके हैं। इसी बीच अब शादी के माहौल में समीता सेट्टी ने भी शादी करने का मन बना लिया है। एक्ट्रेस ने इस बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वह दुल्हन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने शानदार गेम से लोगों का दिल जीतने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री समीता सेट्टी बीते कई समय से अभिनेता राकेश बापट के साथ अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल समीता बिग बॉस 15 से पहले बिग बॉस OTT में भी नजर आ चुकी है। राकेश बापट भी बिग बॉस OTT का हिस्सा रहे। समीता और राकेश की मुलाकात इसी रियलिटी शो के दौरान हुई, जिसके बाद दोनों की यहां मुलाकात प्यार में बदल गई। हाल ही में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में राकेश के साथ अपने रिश्ते और शादी के बारे में अभिनेत्री ने खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही राकेश के साथ शादी करना चाहती है। इस खास बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि मैं राकेश के साथ अपना रिश्ता काफी इंजॉय कर रही हूँ। उन्होंने यहाँ भी कहा कि मैं इस साल ही शादी करने का मन बना चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी इस साल शादी हो रही है और इसके लिए भगवान को मेरा साथ देना होगा कि मैं इसी साल शादी कर सकूं। इस दौरान एक्ट्रेस ने यहाँ भी बताया कि लॉकडाउन और कोरोना काल के में उन्हें यहाँ एहसास हुआ कि वहाँ कितनी अकेली है। समीता ने आगे कहा कि मैं काफ़ी समय से सिंगल हूँ और अब तक मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती रही हूँ। अभिनेत्री ने यहाँ भी कहा कि इससे पहले मुझे पार्टनर नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि कोई मेरे साथ है। अब देखना है कि यहाँ कब तक चलता है, लेकिन हाँ, मैं अब घर बसाना चाहती हूँ और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इस दौरान समीता ने राकेश के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खुलकर बातचीत की। एक्ट्रेस ने कहा कि बिग बॉस 15 के दौरान मैं राकेश से दूर रही थी, इसकी वजह से मैं यहाँ सोचती थी कि क्या राकेश अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड है। मुझे लगता था कि 3-4 महीने लोगों को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं, इसलिए मैं सभी से पूछती थी कि क्या वहाँ अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड है या वहाँ आगे बढ़ चुके हैं। समीता ने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आता कि अगर वहाँ आगे बढ़ गए होते तो मैं क्या करूँगी। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है समीता सेट्टी और राकेश बापट को लेकर, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।